तसल्ली रख दे, जन्ने मारो देखो जन्ने। बेटा कमाल मेरे भाई का है, तू चुप जाओ बेटा, सबर करो। अच्छा जी, यहाँ पे एक कोई मारपीट का मामला सामने आया। ये सनी है, क्या हुआ, क्या घटना हुई? सर दुकान पे पहले तो मारपीट की, कपड़े अपने बाहर दिए, और उसके बाद जब मेरे पास खबर पहुँची तो मैं आया, तो वहाँ से आने के बाद मुझे सनी भाई नहीं मिले। किस चीज़ की दुकान कर रखी थी? डीजे साउंड। कहाँ पर है ये? हनुखेड़ा बगिया। ठीक है, कल शाम को जो मारपीट हुई, फिर क्या घटना हुई उसके बाद? उसके बाद जब मैं पहुँचा तो मुझे सनी भाई वहाँ नहीं मिले, तो मैंने ढूंढा नहीं, फिर वो मिले नहीं। आज सुबह क्या दिखा? सुबह कहाँ? मुझे ये दिखा कि सुबह मैं गए उधर, तो मार के वो लोग डाल गए, मोटरसाइकिल से लाए, इधर से लाए और उधर से गए, वो वहाँ पे लीक भी वगैरह है। मारपीट किस वजह से हुई, क्या मांग रहे थे वो लोग? वो पैसे की वजह से, मतलब 2000 रुपए मांग रहे थे। क्या उनके चाहिए थे या कैसे ही मांग रहे थे? क्यों मांग रहे थे? उधार मांग रहे थे। वो दिए नहीं उन्होंने? भैया ने ये बोला एकदम मेरे पास पैसे नहीं है। ये दुकान मालिक है, कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है? वो भैया के दोस्त है, दोस्त के घर पे पहले रहते थे। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? सनी कहाँ के रहने वाले थे? मूल निवासी सनी भैया, नगला कछुआ थाना। हेलो, कब से कर रहे थे दुकान डीजे की? ये वहाँ पे हो गए लमसम 2.25 साल हो गए। तो क्या लग रहा है, उनकी हत्या हुई है? हाँ, शव बरामद हुआ है। क्या मामला है? थाना बिछवा क्षेत्र में हनुखेड़ा के पास एक शव बरामद हुआ है, और उसकी पहचान सनी जाटो के रूप में हुई है। उम्र करीब 25 साल होगा। वो रहने वाला इलाहू क्षेत्र का है, लेकिन हनुखेड़ा क्षेत्र में ही एक किराए पे दुकान लिया था और उसमें डीजे संचालन का काम करता था। उसके भाई द्वारा बताया गया कि कल शाम को कुछ लोगों द्वारा उसके साथ झगड़ा किया गया था, और उसके बाद वो जब आया तो हाँ, उसका भाई नहीं मिला। रात में भी भाई को खोजा, नहीं मिला। आज उसकी डेड बॉडी खेतों में मिली थी, उस पर चोट के निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया लगता है कि उस गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। भाई ने शाम को जिसके द्वारा मारपीट की गई उनका नाम बताया है। उसमें उसे भाई से तहरीर लेके, मृतक के भाई से तहरीर लेके उन पे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, और शीघ्र ही पूरे घटना के क्या हो जा रही है उसका पर्दाफाश होगा।